फ्रेंड्स इसमें बोला गया है नो ए इज बी, ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फ्रेंड्स जब नो का रिलेशन होगा तो इस तरह से डायग्राम बनेगी, यानी कि नो ए इज बी। नेक्स्ट है नो बी इज सी, बी और सी का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो फ्रेंड्स बी और सी की भी सेम डायग्राम बन जाएगी। अब उसने पूछा है ऑल ए इज बी। फ्रेंड्स जब ए और बी का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, फिर ऑल का या सम का रिलेशन नहीं हो सकता, यानी कि ऑल ए इज बी भी फॉल्स होगा, ऑल सी इज बी, सी और बी का भी नो का है तो ऑल का फॉल्स होगा, ए और सी का, तो फ्रेंड्स ए और सी का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, जो रिलेशन नहीं होगा वो तो डेफिनेटली फॉल्स होगा। सम ए इज बी, कुछ ए बी नहीं है। फ्रेंड्स जब उसने बोल ही दिया कि ए और बी का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, फिर थोड़ा या ज्यादा नहीं हो सकता, तो सम वाला भी फॉल्स होगा। सम सी इज बी, सी और बी का भी नहीं, फॉल्स होगा। नेक्स्ट ए और सी, फ्रेंड्स ए और सी का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो यानी कि ये सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है नो ए इज बी, नो ए इज बी सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन राइट होगी। नेक्स्ट है नो सी इज बी, फ्रेंड्स नो इसमें दिया गया है नो बी इज सी कि बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है, तो फ्रेंड्स जब बी का सी से कोई रिलेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली सी का भी बी से आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी कि नो सी इज बी, बी ट्रू है। नेक्स्ट है नो ए इज सी, फ्रेंड्स ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया जिसका कोई रिलेशन नहीं होगा वो सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सम ए इज नॉट बी, ए और बी का कुछ रिलेशन नहीं है, यानी कि नो का रिलेशन है। उसने बोला नो ए इज बी, फ्रेंड्स जब पूरा ए बी नहीं है तो जहां पे वो पूछ रहा है सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, अगर पूरा ही नहीं है तो थोड़ा भी नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सम सी इज नॉट बी, सी इज नॉट बी, बी और सी का आपस में नो का रिलेशन है, तो फ्रेंड्स जब आपस में दो पर्सन नो का रिलेशन बनाते हैं तो उनका सम नॉट बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि अगर वो बोल रहा है बी का सी से नो का रिलेशन है तो सी का भी बी से आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, नो का रिलेशन होगा, यानी कि अगर पूरा सी बी नहीं है तो थोड़ा सी भी बी नहीं होगा, यही उसने बोला सम सी इज नॉट बी, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही। नेक्स्ट बोला सम ए इज नॉट सी, तो फ्रेंड्स ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं होगा तो वो सीधा सीधा फॉल्स होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला गया सम ए इज नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। मान लो फ्रेंड्स ये हमारा ए है तो ए का कुछ पार्ट, यानी कि ये वाला पोर्शन कुछ ए बी नहीं है। फ्रेंड्स अब ये वाला पोर्शन बी नहीं है लेकिन बचा हुआ पोर्शन बी है या नहीं है हमें नहीं पता, तो इसका सम ए इज नॉट बी, सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन बिल्कुल सही। नेक्स्ट पूछा सम बी इज नॉट ए, फ्रेंड्स उसने बोला सम ए इज नॉट बी बट सम बी इज नॉट ए है या नहीं है हमें नहीं पता, तो जिस बात का फ्रेंड्स हमें श्योर नहीं होगा वो सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ए इज बी, ए और बी का फ्रेंड्स जहां पे बता रहा है कि ए और बी का सम नॉट का रिलेशन है, मतलब थोड़ा ए बी नहीं है, तो फ्रेंड्स ये जहां पे पूछ रहा है सम ए इज बी कि कुछ ए बी है, तो फ्रेंड्स नहीं है कुछ ए बी, तो फॉल्स होगा। जिस चीज का हमें पता नहीं हम क्यों उसे बोले ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट है ऑल ए इज बी, पूरा ए बी नहीं है, तो फ्रेंड्स सामने आपके दिख रहा है सम नॉट का रिलेशन है तो पूरा हो ही नहीं सकता, ये भी फॉल्स। नेक्स्ट है नो बी इज ए, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है लेकिन वो बोल रहा है पूरा बी ए नहीं है। फ्रेंड्स थोड़ा ए बी नहीं है बट बी है या नहीं है हमें नहीं पता, तो जिस चीज का हमें नहीं पता है वो सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है नो ए इज बी, फ्रेंड्स उसने बोला कि कुछ ए बी नहीं है, थोड़ा ए बी नहीं है, बट अब वो पूछ रहा है कि पूरा ए बी नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स हमें ये पता है कि थोड़ा ए बी नहीं है, पूरा ए बी है या नहीं है जिस चीज का हमें पता नहीं वो सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। फ्रेंड्स स्टेटमेंट है आपकी ओनली ए इज बी, ओनली सी इज डी, नो ए इज डी, तो फ्रेंड्स ओनली ए इज बी होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि ओनली को ऑल में बदलेंगे तो नेक्स्ट पर्सन इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि ओनली ए इज बी का बनेगा ऑल बी इज ए।
नेक्स्ट बनेगा ओनली सी इज डी का भी आर डी इज सी, तो नेक्स्ट सेम रहेगा नो इज डी। तो फ्रेंड्स पहले आएगा आर बी इज ए, आर बी ए है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर डी इज सी, डी और सी इनमें से जहां पे कोई पर्सन नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं नो इज डी, फ्रेंड्स ए और डी का नो का रिलेशन है, नो का रिलेशन होगा तो इस तरह से होगा ए और डी का। फिर जे लाइन पे आएंगे आर डी इज सी, सारी डी सी है, तो फ्रेंड्स सारी डी सी है। सम कंक्लूजन दिए हैं, सम सी इज नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। फ्रेंड्स डी और ए का नो का रिलेशन है, यानी कि डी और ए का अगर नो का रिलेशन है तो सम नॉट का भी होगा, यानी कि जितना जे डी है इतना जो सी है वो ए नहीं है। तो बिल्कुल सही, जितना जो डी है इतना जो सी है वो ए नहीं है, जो होगा राइट। नेक्स्ट है सम सी इज नॉट बी, तो फ्रेंड्स अगर पूरा बी ए में है तो जो रिलेशन डी का ए से बनेगा या सी का ए से बनेगा वही बी से बनेगा, तो सेम सम सी इज नॉट बी भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सम इज नॉट डी, सम इज नॉट डी, फ्रेंड्स ए और डी का नो का रिलेशन है, अगर नो का रिलेशन होगा तो सम नॉट का भी होगा। नो का यानी कि उसने बोला है पूरा का पूरा ए डी नहीं है, अगर पूरा ए डी नहीं है तो कुछ ए भी डी नहीं होगा, तो फ्रेंड्स ये भी राइट है। नेक्स्ट है सम बी इज नॉट डी, जो रिलेशन ए का डी से है वही बी का भी डी से होगा, तो फ्रेंड्स ये भी राइट होगा। नेक्स्ट है सम डी इज नॉट ए, सम डी इज नॉट ए, तो फ्रेंड्स ए और डी का आपस में नो का रिलेशन है, यानी कि नो इज डी नो डी इज ए, अगर पूरी डी ए नहीं है तो थोड़ी डी भी ए नहीं होगी। फ्रेंड्स जो ए से रिलेशन बनाएगा डी वही बी से होगा, यानी कि सम डी इज नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है, अगर पूरी नहीं है तो फ्रेंड्स थोड़ी भी नहीं होगी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सम डी इज नॉट बी, सेम मैंने अभी आपको बोला जो ए से रिलेशन बनेगा वही बी से, यानी कि जे भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नो ए इज सी, ए और सी का नो का रिलेशन बताना है। फ्रेंड्स ए और डी का है नो का रिलेशन, सी से नहीं है, यानी कि जे फॉल्स है। नेक्स्ट है नो बी इज सी, फ्रेंड्स जो ए का रिलेशन है सी से वही बी का होगा, अगर ए से फॉल्स है तो बी से भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट है नो सी इज ए, नो सी इज ए, फ्रेंड्स नो डी इज ए है दिया हुआ, लेकिन सी का ए से नो का रिलेशन नहीं है, सी का ए से सिर्फ सम नॉट का रिलेशन बन रहा है वो भी डी के थ्रू, तो ये भी आपका फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है नो सी इज बी, तो फ्रेंड्स जो सी का रिलेशन ए से फॉल्स हुआ है बी से भी सेम रिलेशन बनेगा, यानी कि जे भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑल ए इज बी, ऑल ए इज सी, ऑल ए इज बी यानी कि पूरा ए बी है, मान लो ये हमारा ए है, ऑल ए इज बी यानी कि पूरा ए बी है। नेक्स्ट बोला है ऑल ए इज सी, यानी कि पूरा ए सी भी है, सी भी है, तो इस तरह से बनेगा। इसमें बोला गया सम बी इज सी, कुछ बी सी है, तो फ्रेंड्स ये वाला पोर्शन जो बी का है वो सी में भी है, यानी कि बिल्कुल सही। नेक्स्ट उसने बोला नो सी इज बी, फ्रेंड्स जब भी नो की बात करेगा तो इस तरह से डायग्राम होनी चाहिए, तो इस तरह से नहीं है, तो यानी कि ये हुआ फॉल्स। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स इसमें बोला है सम ए इज बी, कुछ ए बी है, यानी कि ए का जे वाला पोर्शन, जे वाला पोर्शन बी है, यानी कि सम इज बी। नेक्स्ट है नो बी इज सी, तो फ्रेंड्स जब भी नो का रिलेशन होगा तो इस तरह से डायग्राम बनेगी, नो बी इज सी। अब पूछा सम इज नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, तो फ्रेंड्स जहां से ध्यान से देखिए ऐसे तो ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, बट ए जिसका कोई रिलेशन नहीं हो वो सीधा सीधा फॉल्स हो जाता है, लेकिन जहां पे उसने पूछा सम इज नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, तो फ्रेंड्स जे वाला पोर्शन जो ए का है वही बी का भी है, और बी और सी का नो का रिलेशन है, नो का है तो सम नॉट का भी होगा, यानी कि जे ए का जे वाला पोर्शन बी का भी यही पोर्शन है, तो
बी इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी ट्रू बनेगा। नेक्स्ट है सम सी इज नॉट ए, तो फ्रेंड्स सी ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ए वाली तरफ से देखें तो सम नॉट का बन रहा है, लेकिन सी से देखेंगे तो कोई रिलेशन नहीं होगा, तो फ्रेंड्स सीधा सीधा फॉल्स होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सम एज बी, कुछ ए बी है, कुछ ए यानी कि ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है सम बी इज नॉट सी, कुछ बी यानी कि ये वाला बी का पोर्शन सम पोर्शन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब पूछ है ऑल ए इज नॉट सी, ऑल ए इज नॉट सी, पूरा ए सी नहीं है, तो फ्रेंड्स ए और सी का अब कोई रिलेशन नहीं है। फ्रेंड्स अगर बी का सी से नो का रिलेशन होता तो फिर ए का सम नॉट का बनना था, लेकिन उसने ऑलरेडी बी का सम नॉट बनाया है, यानी कि जे वाला क्वेश्चन जो सी नहीं है बी का, बाकी ए का सी से कोई रिलेशन नहीं है, तो जब रिलेशन कोई नहीं होगा तो सीधा सीधा फॉल्स होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑल सी इज नॉट ए, सी का भी ऐसे नहीं है तो फॉल्स है। नेक्स्ट है सम इज नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। फ्रेंड्स इस डायग्राम में देखिए, इसमें था पूरा बी सी नहीं है, जब पूरा बी सी नहीं है तो बी का जे वाला पोर्शन भी जो ए में आ रहा है सम इज नॉट सी बन रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ जे वाला पोर्शन है जो सी नहीं है, जे वाला पोर्शन बी का ए से सम का बना रहा है, बट ए का सी से कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो सीधा सीधा ये फॉल्स बन जाएगा। नेक्स्ट है सम बी इज नॉट सी, अब उसने बोला सम बी इज नॉट सी, यानी कि सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑल ए आर बी, पूरा ए बी है, यानी कि ये ए है, ऑल ए आर बी है, नो बी इज सी, बी और सी के बीच नो का रिलेशन है, सम सी आर डी, कुछ सी डी है, यानी कि जे वाला क्वेश्चन सी का डी भी है, सम डी आर नॉट ई, फ्रेंड्स इसमें दिया गया है ऑल डेटा आर नंबर्स, सारा का सारा डेटा नंबर है। नेक्स्ट है नो नंबर इज ए लेटर, नंबर और लेटर का आपस में नो का रिलेशन है, तो नंबर और लेटर का आपस में नो का रिलेशन है। नेक्स्ट है
some letters are vowels, some letters are vowels. Friends, अब पूछा है all vowels can never be number. Friends, मैंने आपको बताया है basic में can never लगा होगा तो not आएगा. Friends, जब भी किसी conclusion में all can never लगा होगा तो all can never लगा होगा conclusion में. कंक्लूजन में तो इसका आंसर बनेगा सम नॉट. फ्रेंड्स अब जो बन जाएगा सम वॉवल्स आर नॉट बी नंबर्स, सम वॉवल्स आर नॉट बी नंबर, यानी कि जे वाला वॉवल का पोर्शन नंबर नहीं है. फ्रेंड्स लेटर और नंबर का आपस में नो का रिलेशन है. जब फ्रेंड्स लेटर और नंबर का आपस में नो का रिलेशन है यानी कि पूरा का पूरा लेटर नंबर नहीं है. तो पूरा का पूरा लेटर यानी कि जे वाला पोर्शन भी, तो जे वाला पोर्शन लेटर का भी है और बावल का भी है, यानी कि लेटर का जो लेटर और बावल का सम पोर्शन बन जाएगा. तो जहां से निकलेगा सम जे बनेगा नॉट, यानी कि सम बावल्स आर नॉट नंबर, बिल्कुल सही बन जाएगा ये. नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑल नंबर आर डेटा, पूरा का पूरा नंबर डेटा है. लेकिन फ्रेंड्स जहां पे पूरा का पूरा डेटा नंबर है, लेकिन जहां पे बोल रहा है ऑल नंबर ऑल डेटा, पूरा का पूरा नंबर डेटा है. फ्रेंड्स पूरा का पूरा डेटा नंबर है बट पूरा का पूरा नंबर डेटा नहीं है, तो ये जहां से फॉल्स हो जाएगा. ये थे फ्रेंड्स आपके सिंपल केस. चलिए नेक्स्ट अब हम करेंगे आइदर केस.